कांग्रेस, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड जो मुझे इस काबिल हाईकमांड और स्टेट लीडरशिप इस काबिल समझी कि मैं पाई और सेंट्रल लोकसभा पार्लियामेंट का कैंडिडेट बन सकूँ कांग्रेस पार्टी। और आप सब लोग जानते हैं जो जमहूरियत जिस तरह से हो गई है और अब हम लोगों की जिम्मेदारी है, नौजवानों की जिम्मेदारी है और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि अच्छे कैंडिडेट आए जो जमहूरियत के वास्ते बचाने के लिए कश्मकश करें, कोशिश करें और जद्दोजहद करें। और आप देख रहे हैं मेरा तो एजेंडा बैंगलोर के लिए सिर्फ डेवलपमेंट रहेगा, एडुकेशन रहेगा और हेल्थ केयर रहेगा और सारी आवाम को जिससे मेरे से फायदा पहुँच सके। और फिर एक बार जो माहौल देश में हो गया वो प्यार का माहौल लौट आए, भाईचारे का माहौल लौट आए, यही मेरी पूरी कोशिश है। सर पहले से दो मरतबा बीजेपी के एमएलए एमपी जीत चुके हैं, इस मरतबा किस तरह की कोशिश रहेगी? हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि कांग्रेस का मैं कांग्रेस से हूँ कि मेरी जीत हो। और मैं सारे लोगों बेंगलोर के सारे लोगों से अपील करता हूँ मुझे एक मौका दीजिए। पांच हम और अब देख रहे हैं जो हमारे पांच गारंटीज़ जो ग्राउंड पे हैं, जो लोगों के आम लोगों के लिए, जो गरीब लोगों के लिए हैं, जो काम कर रहे हैं और जितना फ़ायदा हुआ है। और इंशाल्लाह अगर मैं जीत के आया हूँ आऊँगा तो लोगों के हिजाब में गुजार। आप देख रहे हैं हमारे स्टेट गवर्नमेंट का पांच गारंटी का रिकॉर्ड क्या अजायम रहेगा जीतने के बाद। इंशाल्लाह जीतने के बाद यही रहेंगे कि बैंगलोर सेंट्रल जो 15 साल से यहाँ पर से जो डेवलपमेंट हो गए हैं और थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं पानी की किल्लत आ गई है वो सब। और बैंगलोर सेंट्रल सिर्फ सेंट्रल बैंगलोर के लिए नहीं है, बैंगलोर सेंट्रल इंडिया का दिल माना जाता है। सो मेरी पूरी कोशिश है कि वही स्टेटस वापस बैंगलोर सेंट्रल पहुँचने की पाए। सेंट्रल के आवाम के लिए क्या पैगाम रहेगा? सेंट्रल के पैगाम के लिए यही आवाम के लिए ये पैगाम है कि मुझे एक मौका दीजिए और इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीद से खरा उतरी। नाम है मंसूर भाई, ऑलरेडी पहले से कांग्रेस में रह चुके हैं। तेलंगाना में जो है उनका जो रिजल्ट था बिल्कुल उमदा रिजल्ट था, कांग्रेस को लाने में बहुत बड़ा हाथ था उनका वापस हुकूमत में लाने के लिए। और यहाँ पर सही कैंडिडेट चुना गया है, यहाँ हमारे एमएलए साहब रिजवान अरशद साहब से ये सब उन्हीं के लिए सपोर्ट किए हैं, हम लोग उसी लिए जमा हुए हैं अभी। क्या मैसेज रहेगा आवाम के लिए बेंगलोर सेंट्रल के लिए? बिल्कुल हम लोग इकट्ठे होकर वोट करना है, इतिहाद से वोट करना है इस बार हमें, और मंसूर भाई जैसे आदमी को आगे लाना है हमें। मंसूर अली साहब नए हैं नहीं लगता है? नए हैं बेंगलोर सेंट्रल के लिए? नए नहीं, उनकी ऑफिस तो यहीं पे है, नए तो नहीं है वो। तो उनका ऑर्गेनाइजेशन में बहला बहुत से ज़्यादा काम था उनका, ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए थे वो, अभी ओपन पॉलिटिक्स में आए हैं। मैं चाहता हूँ सब लोग जुड़े मिले और साथ दें। क्या तमाम लीडर खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई नाइतफाकी नहीं है फिलहाल, सब लीडर के साथ हैं, मंसूर भाई के साथ हैं, हमारे एमएलए साहब से लेकर जमीर भाई सब साथ हैं। इसके अलावा एन ए हरीश नलपाड़ इनका नाम आ रहा, ये तो चलता रहता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते करने के लिए आप सब। नहीं मंसूर भाई खुद जाएंगे, मुझे जितना मुझे पता है वो लोग जा रहे हैं जाके बात। वैसे तो कुछ नाइतफाकी नहीं है हमारे पार्टी में, सब इतिहाद से हम लोग काम करेंगे। शुक्रिया सर।